हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सुजीता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विद्युत विभाग की घोर लापरवाही आई सामने। हाई टेंशन तार की चपेट में आकर युवक गंभीर रूप से झुलसा। जमीन से महज 4 से 5 फुट ऊपर 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार गया था। करीब ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी बिजली विभाग ने नहीं ली सुध। साथ ही गाँव से भदे हदू गाँव के बीच गया हाई टेंशन तार। अब तक दर्जनों मवेशी हाई टेंशन तार की चपेट में आकर गंवा चुके हैं अपनी जान। मामला बबेरू तहसील के भदेहदू साथी गांव के बीच का है। संवाददाता पुरुषोत्तम कुमार बुंदेला की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पीसी पटेल, जनसेवक। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि जो बबेरू पावर हाउस से फुबंदी फीडर है तो ग्राम साथी से भदेहदू 2 किलोमीटर बहुत ही ओल्ड तार और ओल्ड खम्भे लगे हुए हैं। खम्भों की दूरी लगभग 100 से 150-200 किलोमीटर तक है, 200 किलोमीटर है और तार इतनी नीचे है 11,000 की कि बताने में हमें अचंभा लगेगा आपको सुनने में। 3 से 4 फीट की तार नीचे आ चुकी है, जिस संबंध में विभाग के अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को हमने कई बार लेटर के माध्यम से, ग्रामीणों के माध्यम से सूचना दिया, लेकिन अधिकारी किसी भी प्रकार की कार न करके ऊपर से धमा चौकड़ी मनाते हैं जनता के ऊपर। हम लगभग 3 साल से लगातार शिकायत करते चले आ रहे हैं। उस शिकायत पर इस फीडर को अलग तो किया गया लेकिन लाइन नहीं बदली गई। अभी 15 दिन पहले मैंने मंडल के अधिकारी आए थे तो मैंने वहाँ भी कहा था और बांदा में चीफ साहब से, एक्सएन साहब से, एसी साहब से, सभी ने सुनी और उन्होंने कहा कि ऐसी अत्यंत गंभीर समस्या को हम 2 दिन के अंदर शुरुआत करेंगे, लेकिन 15 दिन बीतने वाले हैं। अच्छा, इस लाइन से जो जमीन तक तार झूलते हैं जी, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने जानवर? देखिए, जानवर तो लगभग दर्जनों जानवर मौतें हो चुकी हैं और ये विभाग के जानकारी में भी है। 2-3 लोग चपेट में आ चुके हैं लेकिन ईश्वर की कृपा से जीवित बच गए हैं। मरने के बावजूद भी अंतिम सांस आज आप देख सकते हैं पूरी तरह से झुलस चुका है और 4 फीट नीचे तार है। जैसे लोगों ने हम लोगों को बताया, ग्रामीणों ने देखा कि कोई अचेत अवस्था में पड़ा है, हम लोग मौके में गए, स्थिति बिल्कुल गंभीर थी, तत्काल हम लोग लेके आने के प्रयास किए। वहीं से संबंधित अधिकारियों से हमने बात किया तो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी अधिशासी अभियंता एक्सीएन बांदा जी का कहना था कि हमारे पास कोई सामग्री नहीं है और कोई मरता है तो मरने दो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, विद्युत विभाग लापरवाही कर रहा है जी, लाइन को ठीक नहीं कर रहा, तो आप कौन सा कदम उठाएंगे? देखिए, पहले तो हम लोग आज ही एक्सीएन बांदा सहित अन्य अधिकारियों के, यहाँ का जो बबेरू एसडीओ है वो भी कभी फोन नहीं उठाता है, लोगों को हड़काता है और हम पहले एक बार लिखित में इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए और साथ में लाइन को दुरुस्त करने के लिए एक ज्ञापन देंगे, प्रार्थना पत्र देंगे। अभी मेरी माननीय विधायक जी से, बांदा विधायक जी से, स्थानीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी से, माननीय सांसद बांदा चित्रकूट जी से और बांदा के लिए जो गौरवमयी राज्य मंत्री माननीय श्री रामकेन्द्र निषाद जी से फोन पे वार्ता हुई है। हमने पूरी दुखद घटना उनको अवगत कराया है, उन्होंने कहा है कि तुरंत हम जिलाधिकारी से बात करते हैं और इस पर गंभीर अवस्था पर कार्रवाई कराते हुए आपकी लाइन को दुरुस्त करवाएंगे।